प्रिय दोस्तों, नवजीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में शास्त्री जॉनसन सी फिलिप पवित्र बाइबल से मर्मस्पर्शी संदेश प्रस्तुत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत आशीष देंगे। हम लोग नियमित रूप से उनके इन हृदय स्पर्शी वीडियो को यहाँ पोस्ट करते हैं। इन नए वीडियो के बारे में अपने आप जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे पहले सब्सक्राइब बटन को और उसके बाद घंटी की बटन को दबाएं। बस हो गया काम, अब नए वीडियो की सूचना घर बैठे अपने आप आपको मिल जाएगी। एक दो बातें मैं जरा आपको बता दूं। पहली बात, यहां इस हॉल में सुबह और शाम सत्संग होता है। सुबह मलयालम भाषा में सत्संग होता है, शाम को हिंदी में होता है। हर संडे शाम को 6 बजे आते रहिए। आप कहेंगे हम तो व्यस्त हैं। व्यस्त हैं, इसलिए जब फुर्सत मिलेगी तब आएंगे। हिंदी का प्रसिद्ध श्लोक है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। तो यदि हमको लगे कि जब फुर्सत मिलेगी तब प्रभु की भक्ति करेंगे, फुर्सत कभी नहीं मिलेगी। जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। भैया, एक मौत को, दूजा सृजनहार। दो चीज़ों का आना जरूरी है। ऐसा कोई नहीं है जो इस दुनिया में आया हो लेकिन कभी ना गया हो, जाना ही पड़ेगा। नंबर दो, सृजनहार को कभी नहीं भूलना है। अपन लोग यहाँ पवित्र बाइबल से प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे कि ठीक है शास्त्री सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, सत्संग में आप क्या बताना चाहते हैं। मैं जरा परिचय दे दूं। आज से 2000 साल पहले हिंदुस्तान से लगभग 10-12 हजार किलोमीटर दूर मध्य पूर्व में एक महान व्यक्ति का आगमन हुआ था। उस व्यक्ति के पधारने के बाद दुनिया की काया पलट हो गई। उस व्यक्ति को जगत की ज्योति कहा जाता है। अपन सब जानते हैं ना कि बच्चे स्कूल में जनरल नॉलेज पढ़ते हैं। जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता कौन है। राष्ट्रपिता बापू, महात्मा गांधी, हर कोई जानता है। इसी तरह से जनरल नॉलेज की किताबों में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिसमें से एक प्रश्न है कि जगत की ज्योति कौन है। उसका उत्तर जनरल नॉलेज की किताबों में लिखा है, जगत की ज्योति है ईसा मसीह। जिस व्यक्ति को अपन ईसा मसीह कहते हैं, आज से 2000 साल पहले वे मध्य पूर्व में मनुष्य रूप धारण करके पधारे। और ये जो सत्संग है, हिंदी सत्संग, प्रभु ईसा के जीवन, प्रभु ईसा की शिक्षाएं और प्रभु ने जो कार्य किए थे उनके अध्ययन के लिए ये सभा यहाँ एकत्रित हुई है। ईसा को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक ही नाम अलग अलग भाषा में अलग अलग हो जाता है। अपन हिंदी या उर्दू में ईसा बोलते हैं, और भारत के थोड़ा सा और दक्षिण में आए तो प्रभु को यीशु भी बोला जाता है। ठीक है, तो सत्संग के दौरान मैं ईसा शब्द का भी उपयोग करूँगा, यीशु शब्द का भी उपयोग करूँगा। प्रभु ईसा 2000 साल पहले जब संसार में पधारे थे, तब संसार में पधारने का उनका एकमात्र लक्ष्य हर मनुष्य को एक नया जीवन देना था। आप पूछेंगे कि इस नए जीवन की क्या जरूरत थी। आज हम इस बात के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये खबर पढ़ी है
लेकिन अक्टूबर महीने में खबर आई थी, केरल में एक महिला ने अपने परिवार के लोगों को मुस्कराते मुस्कराते जहर पिला दिया, वो भी कोई छोटा मोटा जहर नहीं, पोटाशियम साइनाइड। पोटाशियम साइनाइड दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ समझा जाता है, वो नहीं मिलता है। आप यदि किसी दुकान में जाके उनसे पूछें साइंटिफिक स्टोर में कि थोड़ा सा पोटाशियम साइनाइड देंगे क्या, वो आपसे कहेगा बैठो बैठो बैठो, और उधर जाके पुलिस को खबर दे दे कि यहाँ एक बंदा है जो पोटाशियम साइनाइड मांग रहा है, आप तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। सिर्फ साइंटिफिक लैबोरेटरीज को और सुनार लोगों को जो कोटा है उसके अनुसार मिलता है। इस औरत ने अपने किसी मित्र से, सुनार मित्र से पोटाशियम साइनाइड लेके अपने घर परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी। क्यों? क्यों? सवाल यह है, यदि आपको लगता है कि मौत या मृत्यु बहुत आसानी से आ जाती है तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि मौत बड़े आसानी से आ जाती है तो किसी भी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ जानवरों को काटा जाता है। एक बार आप वहाँ 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, उसके बाद जीवन भर आप मांसाहार नहीं करेंगे, इतना भयानक सीन होता है। तो यदि यह स्थिति है तो एक औरत ने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आज से लगभग 80 साल पहले एक तानाशाह हुआ था, उसका नाम 80 साल के बाद भी दुनिया में सब लोग जानते हैं, हिटलर। नाम सुना है क्या हिटलर का? हर किसान। हिटलर ने 10 लाख से ऊपर लोगों की हत्या करवाई थी, लोगों को ले जाके एयर टाइट कमरों में जानवरों के समान भर दिया जाता था। एयर टाइट होने के कारण अंदर की हवा बाहर नहीं, बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती थी, दरवाजे कसकर बंद कर दिए जाते थे, ताला लगा दिया जाता था। उसके बाद जहर के क्रिस्टल ऊपर से गिरते थे जो हवा के साथ संपर्क में आते ही गैस में बदल जाते थे, और गैस में बदल जाने के 5 से 10 मिनटों के अंदर उस हॉल के अंदर जो लोग, सैकड़ों लोग मौजूद थे, वो तड़प तड़प कर सांस घुट के मर जाते थे। लेकिन उस आदमी की क्रूरता खत्म नहीं हुई। जब वो मर जाते थे तो उसके बाद इन हॉल में से सारी हवा जब पूरी तरह से खाली हो जाती थी तो बाकायदा नाई लोग आते थे और ये मरे हुए लोगों के बाल शेव करके बांध देते थे, गट्ठर बांध देते थे, और ये बाल सारी दुनिया में बेचा जाता था। शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, सारी दुनिया में आज भी बालों का बहुत बड़ा मार्केट होता है, बहुत बड़ा मार्केट। इन बालों की सहायता से ही अच्छी क्वालिटी के विग बनाए जाते हैं। तो इस तानाशाह ने ना केवल 10 लाख लोगों की हत्या की, बल्कि 10 लाख लोगों के बाल मूंड के उसको बाजार में बेच दिया। उसकी क्रूरता समाप्त नहीं हुई। इसके बाद डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर आता था, हाथ में प्लास लिए हुए, और सबके मुंह खोल खोल के देखता था। उस जमाने में यूरोप में दांतों में सोना भरा जाता था या चांदी। जिस जिस दांत में सोना या चांदी भरा हुआ दिखता था उसको प्लास से उखाड़ लिया जाता था, और इस तरह से 10 लाख लोगों की दांतों से जो सोना और चांदी उन लोगों ने कलेक्ट किया उसका वजन 2 टन था।
उसकी क्रूरता यहाँ समाप्त नहीं हुई। इसके बाद ये सारे के सारे बॉडी प्रेशर कुकर के समान फर्नेस, यहाँ कारखाने में काम करने वाले कई लोग हैं वो लोग जानते हैं कि फर्नेस क्या होता है, उसमें घुसेड़ दिया जाता था, स्टीम देके उसमें से जो चर्बी निकलती थी या फैट निकलता था उसको साबुन के कारखानों में दुनिया भर भेज दिया जाता था। साबुन बनाने वालों को नहीं मालूम था कि आदमी की चर्बी है। इस आदमी की क्रूरता यहाँ समाप्त नहीं हुई। चर्बी निकालने के बाद जो शरीर बचता था उसको बाकायदा फर्नेस में जलाकर राख बनाकर या हड्डी का पाउडर बनाते हैं, कई लोग जानते हैं, उस तरह से हड्डी का पाउडर या राख बनाकर दुनिया भर में खाद के लिए वो आदमी बेच देता था। 10 लाख लोगों की उसने हत्या की। सवाल यह है कि एक आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतनी क्रूरता कैसे दिखा सकता है, इसके पीछे एक चरित्र है। इसको हम पवित्र बाइबल के कई भागों में इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से एक श्लोक या एक पद मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। जिनके पास है वो खोल लें, जिनके पास नहीं है वे लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। रोमियो 3:23 में हम पढ़ते हैं, रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया है और ईश्वर की, प्रभु की महिमा से वंचित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि संसार में जिसने भी जन्म लिया है हर व्यक्ति ने पाप किया है। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। आप कहेंगे, नहीं सर, शास्त्री सर, मैं तो बड़ा अच्छा बच्चा हूँ और बहुत अच्छा जीवन बिताता हूँ। यदि इस तरह से किसी को कोई गलत फहमी हो तो मैं एक छोटा सा प्रयोग आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए जब आपके सर के ऊपर ऐसा एक लट्टू फिट कर दिया जाता है कि जब भी आपके मन में कोई गलत भावना आती है वो लट्टू ऑन हो जाए, इस तरह के आविष्कार हो रहे हैं। अगले 5 साल में ये आविष्कार कंप्लीट हो जाएगा। कितने लोग हैं इस सभा में जो इस तरह का बल्ब अपने ऊपर लगाना चाहते हैं? अरे दुनिया में जो संत लोग हैं उनसे पूछें कि आपके सर पे लगा दिया जाए तो वो तो पहले ही मना कर देंगे कि बच्चा इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप हो, जो निष्कलंक हो। यही प्रभु का वचन कहता है, सब ने पाप किया है और ईश्वर की जो महिमा है उनका जो तेज है उससे वंचित है। अच्छा, यदि सब ने पाप किया है, पापी क्या करेगा? पापी पाप ही करेगा। वो हिंदी में कहावत है ना कि चोर चोरी नहीं करे तो उठाईगिरी तो करेगा, मतलब जिसकी जो आदत है वही करेगा। तो जो पापी है, जिसके स्वभाव में पाप है, वो तो पाप ही पाप करेगा। मैंने जो 2 घटनाएं आपको बताई थी, एक उस स्त्री की घटना जिसका चित्र यदि आप अखबार में देखें तो बहुत ही सुमुख एक औरत जिसको हत्या छोड़िए दूसरे को दुख पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से उसने लोगों की हत्या कर दी। ये एक नई घटना मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा हिटलर के बारे में बताया, 80 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जिसने ना केवल 10 लाख लोगों की हत्या कर दी बल्कि उनके शरीर से जो राख बनता था इवन उसको बेच के पैसा कमाया। ये क्रूरता, मनुष्य के दिल में ये क्रूरता क्यों है?
इसलिए कि मनुष्य पापी है। अच्छा, एक बात बताएं, आप में से कई लोगों ने अखबारों में और कैलेंडरों में चित्र देखे होंगे, जंगलों में जहां शेर और बाघ विचरण करते हैं, वहां इन शेरों और बाघ को, बब्बर शेर और बाघ, चीता वगैरह को देखने के लिए लोग जाते हैं। कैसे गाड़ी में जाते हैं? जंगल में चीता, बाघ, शेर आदि को देखने के लिए जो लोग जाते हैं, किस तरह की गाड़ी में जाते हैं? खुली गाड़ी में। और कई बार ऐसा होता है कि आपको चीता दिखाई दिया, आपने गाड़ी खड़ी कर दी, तो वो चीता आके बाकायदा आपकी गाड़ी के बोनट के ऊपर लेट जाता है। हाँ, निर्देश होता है कि जब तक वो स्वयं वहां से ना जाए, तब तक आप सांस भी ना ले, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो शेर, चीता, इस तरह के जानवर, लोग उनके 10-10 फुट तक पास पहुंच जाते हैं और वो मनुष्य के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं करता? कुछ नरभक्षी होते हैं जो आक्रमण करते हैं, लेकिन ये जंगलों में जो जंगली जानवर हैं, शेर, चीता और भी बहुत सारे जानवर हैं, मनुष्य उनके बहुत पास तक पहुंच जाता है लेकिन वे आक्रमण नहीं करते। क्यों? इसलिए कि जानवर आक्रमण सिर्फ तभी करता है जब वो भूखा होता है, और जब वो भूखा होता है तब अपने आसपास के किसी भी जानवर पर नहीं, बल्कि उसकी भोजन सामग्री जो है, जनरली शेर, चीते वगैरह हिरण का शिकार करते हैं, उसको वो अपना भोजन समझते हैं। उसके अलावा 500 जानवर यदि पास में हो, वो हाथ नहीं लगाते। मनुष्य तो उनके बीच में, टूरिस्ट लोग तो उनके बीच में अपनी खुली गाड़ियों में जाते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं। क्यों? जानवर बिना जरूरत के, बिना भूख लगे कभी दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। लेकिन मनुष्य के बारे में कम से कम 100-200 अनुसंधानों से, रिसर्च से ये बात पता चली है कि बिना जरूरत के मनुष्य जबरदस्ती दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है। काहे के लिए? स्वयं के आनंद के लिए। आप लोगों ने शायद देखा हो, आप लोगों ने सुना हो, जब रेलगाड़ी जाती है, भारत के कुछ प्रदेशों में जब रेलगाड़ी जाती है, तब बाकायदा स्टाफ आकर लोगों को बताता है, खिड़की बंद कर दो, कांच वाली खिड़की नहीं बंद करनी है। रेलगाड़ी में कांच वाली खिड़की भी होती है, स्टील की खिड़की भी होती है। बाकायदा स्टाफ आकर लोगों से दौड़ के बोलता है, स्टील की खिड़कियां बंद करो, स्टील की खिड़कियां बंद करो, स्टील की खिड़कियां बंद करो। क्यों? स्टील की खिड़की काहे को बंद करें? हिंदुस्तान में ऐसे कई इलाके हैं जहां जब रेलगाड़ी निकलती है तो लोग पत्थर लेके उस पर मारते हैं। काहे के लिए मारते हैं? भला पत्थर मारने से, रेलगाड़ी से, रेल चलती रेलगाड़ी पे पत्थर मारने से आपको पुण्य मिलेगा क्या? आपको मोक्ष मिलेगा क्या? आपको धन की प्राप्ति होगी क्या? आपको भवन की प्राप्ति होगी क्या? नहीं। चलती रेलगाड़ी में पत्थर मारने से यदि कांच की खिड़की नीचे हो, कांच की खिड़की बंद हो, पत्थर से वो चटक जाता है, क्या फायदा हुआ पत्थर मारने वाले को? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनको मालूम नहीं था कि फलाने इलाके में लोग पत्थर मारते हैं, तो बाहर को यूँ देखते रहे, पत्थर आके सीधे उनकी आँखों में लगा, आँख फूट गई। ऐसे बहुत सारे लोग भारत में हैं जिनकी आँख इस तरह से पत्थर लगने से फूटी है। जिसने पत्थर मारा उसको क्या फायदा हुआ? दूसरे को दर्द पहुंचाने के द्वारा, दूसरे की जिंदगी से कुछ छीन लेने के द्वारा उसको क्या मिला? मनुष्य क्यों करता है?
अभी पिछले दिनों, हाँ मैं 2 दिन पहले पेपर पढ़ रहा था, तो एक एक खास रेलगाड़ी है जिसमें ये मांग की गई है कि जब रेलगाड़ी एक प्रत्येक इलाके से जब गुजरती है तब ना केवल खिड़कियां बंद करवाई जाए बल्कि रेलगाड़ी जहां से गुजरती है वहां पुलिस वालों को रेलगाड़ी के बाहर लगवाया जाए जिससे कि जो पत्थर मार रहे हैं उनको देखा जा सके, पकड़ा जा सके। एक क्षण के लिए जरा सोच कर देखें क्या फायदा होता है। किसी के नाक पे लगा, नाक टूट गई, माथे पे लगा, माथा फट गया, कोई 10 साल प्रार्थना करने के बाद उसके घर में एक शिशु पैदा हुआ है, शिशु के साथ बैठा हुआ पत्थर जाके शिशु के सर पे गिर गया, क्या फायदा होता है। लेकिन सैकड़ों रिसर्च ये बात बताते हैं जानवर अपनी सुरक्षा के लिए या भोजन के लिए आक्रमण करते हैं। यदि सांप बगल से गुजर रहा हो आप चुपचाप वहां खड़े रहें, सांप निकल जाएगा, वो दौड़ के आके आपको नहीं काटेगा। सांप तभी काटता है जब अनजाने आप सांप के ऊपर पैर रख देते हैं। जानवर तभी काटता है जब या तो उस पे खतरा आता है या उसको भोजन की जरूरत है। और मनुष्य तो दूसरे को काटता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, दूसरों के साथ हिंसा करता है, काहे के लिए, आनंद के लिए। बाप रे, दूसरे के हाथ तोड़कर, दूसरे का हाथ तोड़ के, उसका माथा फोड़ के, उसके नवजात शिशु को नुकसान पहुंचा के, नाक तोड़ के, क्या आनंद आता है, क्यों मनुष्य ऐसा करता है। इसका उत्तर है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था, इस संसार में सबने पाप किया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो। पाप करने के कारण वो ईश्वर से दूर है, ईश्वर के तेज को, ईश्वर के ओज को वो नहीं देख सकता है, बल्कि उसके जीवन में वो जो ईश्वर ने जो दिया था वो भी वो नष्ट कर चुका होता है। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में जो भी बुराइयां हैं ये सब मनुष्य के पाप के कारण है। सवाल है कि ऐसा क्यों। इसका उत्तर पवित्र बाइबल में दिया है, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं सारांश में आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र बाइबल में ये बात इतिहास में कही गई है कि आज से सहस्त्रों साल पहले सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस पृथ्वी की, इस पूरे विश्व की रचना की, और रचना करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बगिया बनाई जिसका नाम था अदन। आज भी बहुत ही सुंदर बाग बगीचों को लोग अनजाने बोल देते हैं, वाह 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 ये तो अदन है। उसमें उन्होंने आदि मानव और आदि माता को, आदि पिता आदि माता को रखा, उनसे कहा मेरे बच्चों ये सब तुम्हारा है, ये फल, ऐसे मनमोहक फल, ये बिना मेहनत के पुष्ट फल, ये तुम्हारे लिए है। एक बात, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। उनको जो चाहिए था सब कुछ दिया, लेकिन प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु से सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद आदि माता और आदि पिता ने ईश्वर की आज्ञा का खुला खुला उल्लंघन किया, छुप छुप के नहीं। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य पापी हो गया। इस कारण हम पढ़ते हैं कि सबने पाप किया है, और मनुष्य चूंकि पापी हो गया है इसके कारण उसके मन में हिंसा है। वो आनंद के लिए दूसरों को दर्द देता है या दूसरों के साथ
हिंसा करता है, इसका कोई हल नहीं है क्या? इसका हल है इसी पुस्तक के 6:23 में हम पढ़ते हैं, 6:23 पाप की मजदूरी है मृत्यु, पाप की सजा है मृत्यु, सबने पाप किया है और सबको मृत्यु की सजा मिलेगी, लेकिन ईश्वर का वरदान प्रभु यीशु में शाश्वत जीवन है। इसका क्या मतलब है, इस श्लोक का या इस पद का क्या मतलब है, ये हम जरा समझ लें। सबने पाप किया है, पाप के कारण हम ईश्वर से दूर हैं, पाप की सजा है मृत्यु, इसीलिए तो हम सब अपने जीवन के आखिर में संसार छोड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा या ईसा के द्वारा संसार के सृजनहार ने हमको शाश्वत जीवन प्रॉमिस किया है, शाश्वत जीवन का वरदान दिया है। इसका क्या मतलब है वो भी मैं जरा समझाता हूँ। आज से 2000 साल पहले प्रभु ईसा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में क्यों पधारे? इसलिए पधारे कि मेरे और आपके लिए सूली पर अपना जीवन बलिदान कर दें। आज से 2000 साल पहले प्रभु जो निष्पाप थे, जो निष्कलंक थे, जिन्होंने कभी किसी के विरुद्ध कोई बुराई नहीं की, किसी के विरुद्ध कुछ सोचा नहीं, बल्कि प्रभु ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुर्दों को जीवित किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, लूलों को हाथ दिए, जो भयानक रोगों से ग्रस्त थे, जो 10-10, 20-20, 30-30 साल से बिस्तर से उठ नहीं पाए थे, उनको स्वास्थ्य और चंगाई दी, जो भूखे थे उनको भोजन दिया। एक बार तो ऐसी भीड़ जमा होगी कि कुछ पूछे नहीं, 5 रोटी से उन्होंने हजारों लोगों को भोजन दिया। उस प्रभु को धोखे से पकड़कर सूली पर टांग दिया गया, ये अकस्मात नहीं हुआ। प्रभु ने स्वयं ये बात बताई थी कि मैं इस संसार में इसलिए आया कि मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन दूं। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने पाप किया है, पाप की सजा है मौत, वो सजाए मौत मैं अपने ऊपर लेने जा रहा हूं, मैं सूली पर तुम्हारे लिए वो सजाए मौत ग्रहण करूंगा, जिससे कि मैं तुमको मुक्ति प्रदान कर सकूं। यह आज से 2000 साल पहले की घटना है। प्रभु को सूली पर टांग के मार डाला गया, लेकिन प्रभु मृत्यु के बाद जब उनको दफनाया गया, तीसरे दिन 3 दिन और 3 रात के बाद पुनर्जीवित हो गए। प्रभु ने लोगों को दर्शन दिया, मुझे देखो, मैं वही व्यक्ति हूँ जिनको सूली पर टांग दिया था। किन लोगों ने टांगा? जिनका मैंने कभी कोई बुरा नहीं किया। मैंने क्यों ये होने दिया? जिससे कि सूली पर तुम्हारे पापों के लिए, पापों की सजा मैं वहन कर सकूं। प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुमको शाश्वत जीवन दूंगा। यह है वो संदेश जो प्रभु आप सबको देना चाहते हैं। यह है वो संदेश जो आज शाम को मैं आपको देना चाहता हूं। आप पूछेंगे, शास्त्री सर, आपको आपको ये शाश्वत जीवन मिल गया है क्या? मेरा जवाब है, मुझे मिल गया है। ओहो, तो आप पूछेंगे, शास्त्री सर, तो आपकी मृत्यु नहीं होगी क्या? नहीं नहीं, शाश्वत जीवन का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक मृत्यु नहीं होगी। शाश्वत जीवन का मतलब है कि इस मृत्यु के पार एक नया जीवन हमारे इंतजार में है। नया जीवन, हाँ, उसके बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें से एक है, जिसने भी ये शाश्वत जीवन पाया है, जब वो इस संसार को छोड़ जाएगा तो वो सदा सर्वदा ईश्वर के साथ रहेगा। नंबर 2,
प्रभु यीशु ने कहा था, ईसा ने ये बात कही थी कि वे बहुत जल्दी वापस आएंगे। उन्होंने कहा था, बच्चों जब संसार में चारों तरफ देखो, जब तुम देखो कि भूकंप हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, भुखमरी हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, तो इस बात को समझ लेना कि मैं जरूर वापस आऊँगा, जिससे कि तुम मेरे बच्चे वहीं रह सको जहाँ मैं हूँ। जिन लोगों ने शाश्वत जीवन पाया है और प्रभु के आने से पहले जो गुजर गए हैं, वे लोग जिस दिन प्रभु आएंगे उस दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे। जो लोग उस समय जिंदा हैं वे अपने जीवन में बदल जाएंगे और हम सब प्रभु के साथ जाएंगे। मेरे जीवन में वो आशा है। यदि आज मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे इस बात की पूरी आशा है कि मैं मृत्यु होते ही मेरी आत्मा प्रभु के पास चली जाएगी, और मुझे इस बात की पूरी आशा है कि कल को जब प्रभु आएंगे तब मेरा शरीर भी जीवित हो जाएगा। आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हैं, इनमें से ऐसे कई भाई बहन हैं जिनके जीवन में उनको ये निर्णय मिल चुका है कि मैं शाश्वत जीवन पा चुका हूँ। उन लोगों से आप पूछेंगे तो वो लोग आपको इसका डिटेल बताएंगे। यदि आप में से कोई इसका डिटेल जानना चाहता हो तो इस सभा के बाद आकर मुझसे बात करें, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। यदि आपको लगता है कि शास्त्री सर तो बुजुर्ग हैं, मुझ जैसा उम्र में उनसे छोटा व्यक्ति उनसे कैसे बात कर सकता है, फिक्र मत कीजिए। उम्र में जो अंतर है वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप लोग पूछेंगे कि आज क्या हो गया आपको, भैया पानी बरस रहा है और ये इसमें से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रहे हैं वो हमारी तबीयत बहुत खराब कर रही है आज। लेकिन जब भी इस तरह की परेशानियां होती है तब मैं एक बात याद रखता हूँ, ये नश्वर शरीर है, कल मेरे प्रभु मुझे अनश्वर शरीर प्रदान करेंगे जो कभी नाश नहीं होगा, जिसमें दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, सरदर्द नहीं होगा और रूमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाक पोंछने के लिए रूमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु हमको इस तरह का एक जीवन देंगे। तो आज इस सभा में जो लोग एकत्रित हैं उनको मैं फिर से याद दिला दूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यदि ये शाश्वत जीवन आपने नहीं पाया है तो बहुत नुकसान हो गया है, बहुत नुकसान। आपकी स्थिति उस व्यक्ति के समान है, आप जा रहे हैं और कोई आपसे कहता है कि भैया ये पैकेट जरा साथ में ले जाओ। आप पूछे काय को ले जाऊं, मैं आपको दान देना चाहता हूं। अच्छा, काय को दान देना चाहते हो? मैं आपके जीवन में कुछ भलाकारी करना चाहता हूँ। अच्छा, भलाकारी करने के लिए तुम जो दान दे रहे हो, इस पेटी के अंदर क्या है? 2 किलो सोना है। और जैसे ही आप कहेंगे कि नहीं 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 मुझे सोना नहीं चाहिए, कुछ पानी वानी पिला देते तो पी के मैं चला जाता, तो उससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि 2 किलो सोना यदि कोई आपको दान में दे रहा है तो लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब कीमत हो गई है, ये याद रखें। आप उसको मना कर रहे हैं, उससे बड़ी बात है। आज संसार के सृष्टा प्रभु यीशु आपसे कहते, बच्चे मेरे पास आओ, तुम नश्वर शरीर में जी रहे हो, तुम आए हो कल चले जाओगे, मैं तुमको शाश्वत जीवन देना चाहता हूं। शाश्वत मतलब जो कभी समाप्त नहीं होगा। इतनी मूल्यवान चीज इस संसार में और कुछ है क्या? नहीं है। उसको यदि हम नजरअंदाज कर दें तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए आज संध्या एक बार और हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है, जितने लोग यहाँ आए हैं वे अपनी भलाई बुराई समझें। जिन्होंने ये शाश्वत जीवन पा लिया है वे लोग एक ऐसा जीवन बिताएं जो प्रभु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने नहीं पाया है वे लोग हम में से किसी न किसी व्यक्ति से बात करें,
और शाश्वत जीवन पाएं, उसके बाद ही इस सभा से जाएं। आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ।